नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं आज नजर डालते हैं आज की खास तौर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वैसे ही पूर्व और पश्चिम की तरफ जाने वाले रास्ते पर, एवरशाइन गेट के यहाँ एवरशाइन सिग्नल है वसंत नगरी। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक वैन है जो दवाई की वैन है। रास्ते पर दवाइयाँ बेचने वाले जिस वैन में अपनी दवाई लेकर घूमते हैं वो वैन है। इसको कल रात किसी ने आग लगा दी, ऐसी जानकारी सामने आई है। यहाँ अभी कुछ लोग थे, हमने उनसे जानकारी निकालनी चाहिए तो उन्होंने ऐसा इतना ही कहा कि कल रात को किसी ने आग लगाई है, हालांकि बाकी कैमरे के ऊपर उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। अब मेरा सवाल, मेरा कहना यह है कि ये रास्ता जो है वो तो पूरा का पूरा 24 आवर 24 घंटे ट्रैफिक वाला रास्ता है, आवाजाही यहाँ बनी रहती है। उसके बावजूद यहाँ इस तरह से आग लग गई तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, इसका सवाल सबसे बड़ा है। अगर ऐसे जहाँ पर आवाजाही लगी बनी रहती है, ऐसे रास्ते पर इस तरह की घटना होती है तो शहर में दूसरी जगह क्या होगा। यहाँ नजदीक में इस तरफ जाएंगे वेस्ट में तो मणिकपुर पुलिस स्टेशन है, ईस्ट में जाएंगे तो क्राइम यूनिट 2 का कार्यालय है। और इस तरह से पूरा का पूरा क्षेत्र जो है काफी आवाजाही वाला क्षेत्र है, मुख्य मार्ग है, मुख्य रास्ता है वसई को ईस्ट और वेस्ट से जोड़ने वाला। उसके बावजूद यहाँ इस तरह की ये हालात दिखाई दे रहे हैं। अब इसको किसने आग लगाई है, क्या इस आप गाड़ी की हालत देखिए किस तरह से इसने रखी दवाएं और जो दवाएं की बोतल थी किस तरह से उनकी यहाँ हालत हो चुकी है। अब इसकी जांच होगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये किस कैसे हुआ है। अभी यहाँ कुछ लोग मौजूद थे, बता रहे थे कि इसका जो मालिक है वो कुछ दिनों से शादी में गया था, इसके लिए ये गाड़ी लावारिस पड़ी थी और ऐसे में किसी ने ये इस तरह का कांड किया है। अब लोग पुलिस में जाएंगे, शिकायत करेंगे और आगे जो जांच में निकलेगा वो आएगा। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।